अरे कहना क्या चाहते हो? वाह वेलकम बैक। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले मेरे हमशक्ल को। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मिथ पैट की। थोड़ा हम लोग रिएक्ट करेंगे उसके, एक्चुअली उसके ऊपर नहीं, उसके बहुत बहुत पुराने वीडियोस के ऊपर, मतलब स्टार्ट जब उसने किया था वो टाइम के वीडियोस। ओके ब्रेकिंग न्यूज, प्यूडीपार्टी सीरीज के बीच की गैप दिन ब दिन कम होती जा रही है और इसी बीच बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में दिए हैं अपने विचार। तो सबसे पहले ये विचार आए हैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ मिथपैट चैनल की वजह से। तो हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियां क्या कहना चाहती है प्यूडीपाई और टी सीरीज के बारे में। यहाँ पर अमिताभ जी है, अमिताभ जी से हम ये सवाल पूछते हैं कि नमस्कार देवर सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ अद्भुत खेल में। सर सर हमारा 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 सवाल जो है कि प्यूडीपाई और टी सीरीज का जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है सर, उसके उसके बारे में आपको क्या लगता है सर कि कौन जीतना चाहिए, कि प्यूडीपाई जीतना चाहिए कि टी सीरीज जीतना चाहिए, उसके बारे में बताइए ना सर। भाई साहब देखिए ऐसा है कि हम ना तो टी सीरीज है ना ही प्यूडीपाई, तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि ये सवाल आप कृपया हमें मत पूछिए, धन्यवाद। तो ये हम लोग और भी एक्टर्स को पूछते हैं। ऋतिक सर, ऋतिक सर आपको 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 क्या लगता है कि प्यूडीपाई और टी सीरीज में जो कंट्रोवर्सी चालू है भाई, क्या शोल्डर और कॉलर से भाई, क्या मतलब वो टाइम पे जिम जाता था ये 4 साल पहले की, कब का ये 19 की बात है भाई। शोल्डर और कॉलर क्या दिख रहे भाई साहब के, अरे अभी देखो तो उर्मिला ने बताया था बाइक से जा रहे थे और उस टाइम उर्मिला सोचो क्या कर रही थी। ओ उर्मिला ने बाइक पे ऐसा मेरा पेट पकड़ा था और ऐसे पेट को हिला रही थी और बोल रही थी मिथिलेश तू कितना मोटा हो गया है, और डुबुक डुबुक ऐसे पेट को हिला रही थी येड़ी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए, प्यूडीपाई जीतना चाहिए कि टी सीरीज जीतना चाहिए? Hi there, this is Hrithik Roshan here, and I just feel that PewDiePie is just fantastic and unbelievable. I mean, he's just good. Oh. Hey, isko koi to lore? Oh. Aiyoh. Aayla, aisa thodi na hota. Jisko leko mujhe larpa maar ke chala jata hai. Aayla, main to mazak kar raha tha. Jadoo, jadoo jao, aur apni shaktiyon se T-Series ko jitao jadoo. जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, मेरे को बहुत मारा माँ, मेरे को इतना मारा कि माँ मेरी हालत खराब हो गई माँ, माँ मेरे को बचाओ माँ, जादू जादू मेरी स्कीम माँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ऋतिक रोशन और जादू दोनों ही टी सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे देखते हैं कि और कौन लोग सपोर्ट करता है। सनी सर आपको क्या लगता है कि टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में ये फाइट कब तक चालू रहेगी? ओए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितने दिन टी सीरीज प्यूडीपाई के पीछे रहेगी? ओए प्यूडीपाई एक बात याद रखना, अगर ये 2.5 किलो का हाथ तुझ पे गिर जाए ना तो तू उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सनी देओल सर तो बहुत बढ़ गया, आगे हम लोग पूछते हैं नाना पाटेकर सर को। नाना पाटेकर मेरे बात करते वैसे देखने टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में जो भी चालू है आपको क्या लगता है कि ये कब खत्म होगा, कौन जीतने वाला है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्यूडीपाई और टी सीरीज के नाम पे सब्सक्राइबर लेने आ गए ये लोग, देखो आओ और शामिल हो जाओ ये तमाशे के अंदर। कुछ काम नहीं करना, टी सीरीज का नाम लेना है, प्यूडीपाई का नाम लेना, और लोग दौड़ते दौड़ते तुम्हारे वीडियो देखने आ जाएंगे। क्या बताया, तू एक बात बता, अच्छी बात है ठीक है भाई, एक बात बता साले तू क्या कर रहा है इधर, देख 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 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे तेरे, देख भाई देख बेटे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सुनील शेट्टी जी, अक्षय कुमार जी और परेश रावल जी तीनों ही हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आप तीनों को क्या लगता है कि प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच में जो कंट्रोवर्सी चालू है उसमें किसकी जीत होनी चाहिए, प्यूडीपाई की या टी सीरीज की, आपको क्या लगता है? क्यों थक रहे हो, एक बात याद रखना, प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच में जीत हमेशा टी सीरीज की होगी, भारत की होगी। परेश रावल सर आपको कुछ बोलना है क्या कि प्यूडीपाई और टी सीरीज में कौन जीतेगा?
अरे बाबा रे बाबा राजू कुतरे ये पुतली पाई कौन है रे बाबा, इसको कभी सुना नहीं है रे बाबा। पुतली पाई नहीं सर, पुतली पाई नहीं, प्यूडी पाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक तो बॉलीवुड के एक्टर्स टी सीरीज को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग जाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरफ। तो आमिर सर आपको क्या लगता है कि अभी जो प्यूडी पाई और टी सीरीज के बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सी चालू है उसके बारे में आपको क्या कहना है, कि प्यूडी पाई जीतना चाहिए कि टी सीरीज जीतना चाहिए? सर देखिए सर, कि मैंने प्यूडी पाई को ज्यादा देखा नहीं है, और टी सीरीज जो है अपने भारत को रिप्रेजेंट करती है, भारत को। मुझे लगता है कि जीत हमेशा टी सीरीज की होनी चाहिए, टी सीरीज की। और ऐसी कोई बात नहीं है यार, कोई भी जीते, जीत तो हमेशा क्रिएटिविटी की होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की। तो आमिर खान सर ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं संजय दत्त सर के पास। संजय दत्त सर, आपको क्या लगता है कि टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच में कौन जीतना चाहिए, टी सीरीज या प्यूडीपाई? ए मामू, ये पुतली पाई वगैरह अपन को जमता नहीं है रे, ये टी सीरीज में एकदम नंबर वन है मामू। पुतली पाई क्यों बोल रहे हैं सब लोग, मुझे समझ भी नहीं आ रहा यार। पुतली पाई कोई बात नहीं यार। अभी हम लोग जाते हैं शाहरुख खान सर के पास। शाहरुख खान सर, आपको क्या लगता है कि टी सीरीज और प्यूडी पाई में कौन जीतना चाहिए, टी सीरीज या प्यूडी पाई, किसकी जीत होनी चाहिए? I just feel that कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीत किसकी हो। I feel that कि YouTube पे सिर्फ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, जाने क्या पता कल होना हो, प्यूडी पाई भी हो, टी सीरीज भी हो, कोई भी हो यार। शाहरुख खान सर ने एकदम बराबर कहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार कि कौन जीते, टी सीरीज जीते या प्यूडी पाई जीते। प्यूडीपाई एक इंडिविजुअल क्रिएटर है और उसने बहुत मेहनत से ग्रो किया अपना चैनल, इसलिए मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर बात बताओ, ये मेरे जैसा कैसा लगता है यार? Why is he like me? मेरा हाइट इतना नहीं है, मैं सिर्फ 5'9" वो 6'4" है, सिर्फ हाइट से डिफरेंस है भाई, बट इतना भी नहीं। Let's go. How many times do I tell you that I'm scared of skydiving, man? मुझे थोड़ी थोड़ी उल्टी जैसी हो रही है। Dad, I need you right now. Ritik, please इनको बोलो कि plane stop करे, please. Wow. Parang, तू टेंशन मत ले. Trust me. Just let all go. दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सी, तुम एक दरिया में बहना सीखो। ऋतिक, ऋतिक यहाँ पे वेयरहाउस में 5 लोग लैंड हो गए हैं। मुंबई कर नीचे ज्यादा दिख रहा हूँ बंदा। ए अमिताभ बच्चन है हमारे साथ, देवियों शटनो आज हमारे साथ अमिताभ बच्चन है। बोलो। आई कांट मिमिक अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? अरे भाई हाँ बोलो। आपकी टीचर शोभा जी हमारे सामने बैठी है हॉट सीट पर। ठीक है, फीस? शोभा जी हमारे सामने बैठी है हॉट सीट पर। दो फीस। और उन्होंने फोन ऑफ फ्रेंड में आपका नाम लिया है। ओके ठीक है। अगली आवाज शोभा जी की होगी, वो एक प्रश्न पड़ेंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। शोभा जी आपका समय शुरू होता है। हेलो सर। हाँ बोलो मैम। हाँ तो इनमें से कौन सी गन सबसे अच्छी होती है पबजी में? और ऑप्शन है M416, B2BZ, CM24 या D-AUG। ओके बकवास है। M14। M14 ऑप्शन नहीं है, M416 ऑप्शन है। कंप्यूटर जी A416 को लॉक कर दीजिए। और ये था सही जवाब, आप जीत गए हैं। सैम जी आप जीत गए हैं 5,000 रुपए। अकाउंट नंबर दो क्या? अरे भाई साहब अकाउंट नंबर दे दीजिए, ये आपको पबजी के बाद हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। पढ़ना भी है यार। ओके आई थिंक सो। ओके आई थिंक सो। मैं इधर तक समझ गया हूँ कि भाई ये अंदाज कुछ भी कर लेता है, कुछ
मतलब टैलेंट की कमी नहीं है उसमें। तो ये शाहरुख खान की कर लेता है मिमिक्री, और नाना पाटेकर की भी कर लेता है, और अक्षय कुमार की भी कर लेता है ना। अक्षय कुमार डाके टके वो तो कौन, और फिर बाद में सुनील देओल, बाबूराव, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, मैं गिनती भूल गया, शाहरुख खान, तीन त्री हेरा फेरी, फिर बाद संजय दत्त, और कौन है, नाना पाटेकर, कई तोंडे, और कौन है रे बाबा, ए बता रे कौन है तू, कौन है बता जल्दी से कौन, और जो को भी हो कमेंट सेक्शन में बताना। आप भाइयों बहनों, आज हम यहीं पे हमारा कार्यक्रम यहीं पे एंड करना चाहते हैं, और आप लोगों को ये गुजारिश है कि आप लाइक करो, कमेंट करो, और जाने सब्सक्राइब करो। मैं मिमिक्री करता हूँ भाई, मैं नाना पाटेकर की मिमिक्री करता हूँ अच्छी से, बॉडी देख रहे बॉडी, बाबू भैया खिलाड़ी हूँ मैं, खिलाड़ी। ओके सो मैं क्या नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करूँ क्या कि जितने मिड पैक मिमिक्री कर सकता हूँ उससे ज्यादा मिमिक्री मैं कर सकता हूँ क्या? तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग यही पे वीडियो को एंड करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग मिड पैक के साथ चैलेंज करेंगे। एक्चुअली वो तो मेरे साथ चैलेंज नहीं करेगा, बट मैं उसके वीडियोस को लेके अपने वीडियो के साथ चैलेंज अपने आप लेके, समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो यही पे एंड करते हैं हम लोग, और अगले वीडियो में मजा आएगा वीडियो, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।